नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि किस तरीके से इन्फोसिस आईटी कंपनी नागपुर, इसमें जो सफाई कर्मी जो साफ सफाई का काम करते थे उनके ऊपर किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा, जो हमने सब कुछ आपके सामने बताया था। लेकिन आज सफाई कर्मियों से हमने खुद बातचीत की है और वो क्या कहते हैं वो सुनना बेहद जरूरी है। एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि जो प्राइवेट कंपनी है JLL और DTSS हो, ये यहाँ के जो मैनेजर लोग हैं, जो लोग हैं, ये पैसे की भी डिमांड करते हैं। हालांकि जो जिन लोगों से हमने इंटरव्यू लिया है उनसे पैसे कोई डिमांड नहीं की गई थी, लेकिन अभी जो नए लड़कों को रिक्रूट किया गया है उनसे पैसे के भी डिमांड की गई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन्फोसिस इस पे क्या रुख लेती है। कि आज हमारे पीछे जो हमारे भाई लोग उपस्थित हैं वो वही सफाई कर्मी हैं जिनके साथ में आईटी कंपनी में जो काम कर रहे थे और इनके साथ में अत्याचार किया जा रहा था। हम लोग इन्हीं से जानते हैं कि आखिर किस तरीके से उनके ऊपर क्या अत्याचार किया गया। आप लोग इन्फोसिस नागपुर आईटी कंपनी में किसके अंदर में काम करते हैं? DTS करके वेंडर है, वहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, आप लोगों के साथ में क्या तकलीफ क्या हुई, क्या समस्याएं हुई जो आप लोगों को ये मैटर यहाँ तक आ गया कि मीडिया तक आ गई और ये सब चीज़ हो रहा है? सर, हमने पेमेंट की तकलीफ थी थोड़ी, पेमेंट और काम करने के लिए कौन सा भी लगाते थे लड़कों को। हाँ, जैसे हमने वो डिटेल्स हमारे वेंडर को बताया कि हाउसकीपिंग का काम छोड़ के हमको कौन सा भी काम करने के लिए लगाते हैं। जब आप लोगों ने इंटरव्यू दिया था, हाँ, तब आप लोगों के बीच में कुछ बात हुई होगी कि आपको इस काम के लिए हायर किया जाता है, हाँ, तो क्या क्या बात हुई थी? HK बॉय के लिए, हाउसकीपिंग के लिए। हाँ, या आप सभी का जो सिलेक्शन हुआ था, क्या वो सभी को यही बोला गया था कि आप सभी हाउसकीपिंग के लिए ही काम करेंगे? हाँ सर, हाउसकीपिंग के लिए। यानी कि साफ सफाई वगैरह करने के लिए? साफ सफाई करनी। अच्छा, उसके बाद आपको क्या क्या काम करवाया जाता था वहाँ से? कोई भी काम किया करवाती थी, मिट्टी उठाओ, मिट्टी लेके जाओ, बड़े बड़े पत्थर या कोई क्रैशेज वगैरह करना, स्लैब का काम निकालना, ऐसे कुछ भी काम किया करते थे। अच्छा, मान लीजिए कि आप स्लैब का काम अगर आपसे वो करवा रहे हैं तो स्लैब में क्या बोलते थे करने के लिए? होल पाड़ के कुछ निकालने के लिए कहते थे, लोहा वहा जो चिपका हुआ निकालने के, ठोकने के। तो ये तो जो है जो छज्जा होता है वो काफी ऊंचा होता है, हाँ, तो उसको लेकर के तो कोई सेफ्टी या फिर हेलमेट या फिर शूज या फिर चश्मा होना चाहिए ताकि गलती से कोई अपघात हो जाए तो सेफ्टी होना चाहिए। तो सेफ्टी क्या देते थे वो? कुछ नहीं, सेफ्टी कुछ सेफ्टी नहीं, कोई सेफ्टी नहीं, नहीं नहीं नहीं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से बिना सेफ्टी के इस तरीके से इतना डेंजर काम उनसे कराया जा रहा है। अगर वो गलती से उसके आंख में कुछ चला जाए तो वो नीचे गिर जाएगा। वो इतने ऊपर कोई अगर व्यक्ति काम कर रहा है, अगर वो नीचे गिरेगा तो क्या उसके मौत यदि हो जाती है तो उसके मौत के जिम्मेदार आखिर कौन लेगा? DTS, JLL या फिर इन्फोसिस खुद? ये इस तरीके से अत्याचार सफाई कर्मियों पे, गरीब पे, बड़े लोगों द्वारा, बड़ी कंपनियों द्वारा ये सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन इस पे अब लगाम लगाने की जरूरत है। इन्फोसिस क्या रुख लेती है इन सभी चीज़ों पे, एक बड़ा विषय बना हुआ है। और जबकि ये काम हमारा नहीं है, हम बताते थे, वो ये हमारा पॉइंट पकड़ के रखे उन्होंने। अच्छा, सुनने में ये भी आया कि आप लोगों को यहाँ से मध्य प्रदेश के लिए जाने के लिए बोला गया, तो जब भी आप लोगों को मध्य प्रदेश के लिए जाने के लिए बोला गया तो क्या आप लोगों को इससे पहले कोई नोटिस या फिर कोई जानकारी दी गई थी कि आपको? कुछ भी नहीं दिया गया था हमको, और हम यहाँ के प्रॉपर है, और हम यहाँ से कैसा जाएंगे उधर? हमारे बाल बच्चे है सब यही के है, और कल चल के हमको कम ज़्यादा हो जाएगा। मध्य प्रदेश हम जाएंगे पर कैसा करेंगे हम? अच्छा, जब आपने इंटरव्यू दिया था, जब बातचीत हुई थी, है ना, साफ सफाई के लिए जो आपको रखा जा रहा है, तो ऐसी कोई बात की गई थी कि आपको कुछ दिन के बाद मध्य प्रदेश भेज देंगे? नहीं सर, कुछ भी नहीं बोले थे ऐसा कुछ भी नहीं बोले। आपकी लाइफ यही पे सेट है, इंफोसिस में ही सेट है करके, नागपुर इंफोसिस में। तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको अचानक वो भेज दें? जो हमारा हम वहाँ पे पेमेंट का उनको बोलते थे, तो इसलिए 2 घंटे के लिए बातचीत के लिए हमने स्ट्राइक की थी, तो वो बोल रहे थे कि स्ट्राइक की आपने, स्ट्राइक नहीं थी, वो 2 घंटे के लिए हम पेमेंट के लिए उनके साथ बोले थे। यानी कि आप अपने हक के लिए ही लड़ रहे थे, पेमेंट मांगने के लिए लड़ रहे थे, ताकि आप लोग पेमेंट से खुश नहीं थे इसलिए रुके। हाँ, इसीलिए हम 2 घंटे बैठे थे बस, उन्होंने वही पॉइंट पकड़ लिया, और हम बार बार कंप्लीट किया करते थे उनको कि हमारा पेमेंट कम आ रहा, हमारा पेमेंट कम आ रहा, लेकिन वो कुछ भी सुनी नहीं अभी तक। अच्छा, आप लोग जैसे कितने लोग हैं जिनके साथ? 12 लड़के हैं, 2 मैडम और 1 सुपरवाइजर, ये जो लगभग 15 लोग हो गए। तो ये 15 में वो बोलते थे कि तुम कोई बड़े साहब लोगों के पास मत जाओ, हमारे पास आ जाओ। जब हम उनको फोन करके बुलाते थे तो वो हमारी मीटिंग यानी हमसे फोन नहीं उठाते थे, आते नहीं थे,
कुछ नहीं आते थे। आपके हाथ में जो है आपका आई कार्ड है, सीएन कार्ड है, सीएन कार्ड है, इस पे नंबर भी लिखा है, राकेश नाम है आपका और सीएन नंबर भी है। अच्छा, ये सीएन नंबर जब मिला तो क्या आपको पेमेंट का क्या कमिटमेंट किया गया था इसके साथ? ये सीएन नंबर जब मिला था तो बोले कि सीएन नंबर जब आएगा सीएन कार्ड तब आपको पेमेंट बढ़ के मिलेगा, पर तब भी हमको 13,700 कितना था? अभी हमको तो वैसा ही 12,200 ही मिलता है। ये पैसे कम आए तो आप लोगों ने आवाज उठाया, आवाज उठाया तो क्या हुआ? आवाज उठाई तो किसी ने कुछ भी उसमें कोई रिप्लाई नहीं दिए और कुछ सुनी नहीं हमारी बात। अच्छा, इसीलिए आप लोग एमपी भेज दिया कि आप लोगों ने आवाज उठाया? आवाज उठाई इसीलिए। और हमारी जगह सर दूसरे लड़के लिए, उनको ज्यादा जबकि ज्यादा पेमेंट दे रहे हैं, 16,000 15,800। यही काम के लिए दूसरे लड़के को हायर किए, उसको 15,800 दे रहे हैं और यही काम के लिए आपको 12,200 उसमें भी कम। अच्छा, कंपनी वही है, इन्फोसिस वही है, वेंडर वही है, पहले भी डीटीएस थी, अभी भी डीटीएस है, है ना? जो से लेके हमने हीरो बनाया ऐसा वो कंपनी को, और हमारा काम निकाल लिया और हमको बैठा दिए। मेहनत का काम आप लोग? हाँ, हमने ज्यादा काम किए, मेहनत का काम सर। वहाँ से डीप क्लीनिंग करते हुए अभी तक हमने पूरे फ्लोर क्लीन कर दिए, हमने पूरा काम किया है वहाँ का टोटल, और हमारी मेहनत पर वो दूसरे लड़के ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए ना सर, ये अन्याय है। वहाँ के कोई जो मेन सर थे हाउसकीपिंग वाले, वो बोलते थे कि अभी मेहनत करो और बाद में थुकपालिश करना है, तो पहले हमने मेहनत की है, अभी थुकपालिश के लिए दूसरे लगाए। यानी हमने हमारे मेहनत के लिए बोले, कड़ी मेहनत हमने की है, उठाना फेंकना, गाड़ी भरना, ये करना। और सर एक पॉइंट भी है, जो लड़के लिए उनसे पैसे लेके 5,000-5,000 रुपए 3,000-5,000 रुपए लेके उनको लिया है लगभग। अभी जो लड़के लगा? हाँ। अच्छा, हाँ, वो मनीष पाटिल है इसमें, अपना प्रवीण बच्चू। दोस्तों, एक बड़ी बड़ी खबर आप सुन रहे हैं कि इन्फोसिस जैसी एक ब्रांडेड और एक रिपोर्टेड कंपनी है, उसमें जो साफ सफाई कर रहे हैं, साफ सफाई काम करना कोई छोटा काम नहीं है। अगर कोई भी कंपनी में कोई भी काम कर रहा है तो कंपनी का एक अभिन्न हिस्सा होता है, अभिन्न अंग होता है, क्योंकि वो उसके अंदर में काम कर रहा है, कंपनी की सुरक्षा, सेफ्टी और सफाई के लिए काम कर रहा है। और यहाँ पे भी काम करने के लिए पैसे लिए जाते हैं। खैर, हो सकता है आने वाले समय में जिन जो लोग पैसे दिए हैं वो सामने नहीं आएंगे, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी, वो बात नहीं करेंगे। लेकिन एक सच्चाई जो इन लोगों ने आप तक बताया है, हमसे खुलासा किया है कि वहां पे पैसे की डिमांड की जाती है, क्योंकि करप्शन आईटी जैसी प्राइवेट कंपनी में भी की जाती है। अपने मन में एक बड़ा क्वेश्चन है, तो क्या इंफोसिस कंपनी ने डीटीएसएस और जेएलएल जैसी कंपनी के ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहिए? तो क्या डीटीएसएस जैसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं करना चाहिए, उसे हटा नहीं देना चाहिए, जो गरीब मजदूरों को शोषित करे, उनका शोषण करे? क्या उनके ऊपर इंफोसिस जैसी आईटी कंपनी कोई एक्शन लेगी या नहीं लेगी, अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। हालांकि आपने देखा कि किस तरीके से कई अहम खुलासे इन लोगों ने किए, और हो सकता है कि कई ऐसी चीज़ें होंगी जो अभी तक हम तक पहुंची भी नहीं, क्योंकि एक मर्यादित समय के लिए बातचीत की जाती है, उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन्फोसिस आईटी कंपनी नागपुर की जो ये लोग काम कर रहे हैं उस कंपनी में, वहाँ की जो कंपनी जेएलएल हो या फिर डीटीएसएस हो, ये सब इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। खैर, इस संबंधित अगली खबर भी हम आप तक लेकर आएंगे, अहम जानकारी भी हम लेकर आएंगे इस कंपनियों के बारे में कि आखिर किस तरीके से गरीबों का शोषण करते रही हैं। कैमरामैन अजीत कुमार के साथ मैं वीर सिंह, इनबीसीएन न्यूज नागपुर। दोस्तों, मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी कई अहम खुलासे बाकी है जो हम आप तक करेंगे, बीसीएन आप तक जरूर उससे सच को लेकर आएगा। हो सकता है डीटीएस जैसी कंपनी, जेएलएल जैसी कंपनी में काम कर रहे अनएम्प्लॉय के साथ भी अलग कंपनी में अलग जगह पे हो सकता है कि कई समस्याएं होंगी। यदि अगर किसी की कोई समस्या है तो बीसीएन ऐसे गरीब और जो मजबूर हैं, जिनको जो प्रताड़ित हैं इन बड़े लोगों द्वारा, बड़ी कंपनियों द्वारा, उनकी आवाज़ हमेशा बीसीएन बनने के लिए तैयार है। आगे भी हम अहम खुलासे करेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ, सिर्फ इनबीसीएन न्यूज़ पे। जय हिंद।